Hello students, I am your Hindi teacher from St. Norbert Senior Secondary School, Damo. आज हम कक्षा दसवीं के पाठ चार मनुष्यता का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। प्रस्तुत कविता मनुष्यता मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने मनुष्य को उसकी चेतना शक्ति का एहसास दिलाते हुए कहा है कि इस धरातल पर वही उत्कृष्ट प्राणी है। वह अपने ही नहीं बल्कि औरों के हित अहित का ख्याल रखने में तथा उनके लिए कुछ करने में समर्थ है। कवि केवल अपनों के लिए जीने मरने वालों को तो मनुष्य मानते हैं, लेकिन इस बात से इनकार करते हैं कि ऐसे मनुष्यों में इंसानियत के पूरे पूरे लक्षण भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करें सभी। अर्थात प्रस्तुत काव्यांश में कवि जनसाधारण को अपना जीवन लोक सेवा में समर्पित करने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि यह संसार मरणशील है, इसलिए तुम्हें मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम ऐसा काम करो जिससे मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात तुम्हें गौरवपूर्ण जीवन जीना चाहिए और गौरवशाली मृत्यु को भी अपनाना चाहिए। यदि तुम्हारी सुमृत्यु नहीं होती है तो तुम्हारा मरना जीना व्यर्थ है। स्वयं के लिए जीना पशु प्रवृत्ति है, दूसरों के लिए जीना मनुष्यता है। केवल अपना हित चिंतन करना मनुष्य की नहीं पशुओं की प्रवृत्ति होती है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखान थी, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। अर्थात कवि कहता है कि सरस्वती उसी उदार मनुष्य का गुणगान करती है जो इस संसार के साथ एकता और आत्मीयता का भाव रखता है। धरती भी उस उदार मनुष्य को पैदा कर स्वयं को धन्य मानती है जो सारे संसार में अपनत्व का प्रसार करता है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात उसी उदार मनुष्य का यश सदा सदा के लिए गूंजता रहता है और उसी उदार मनुष्य की सारा संसार पूजा करता है जो विश्व के सभी प्राणियों को समान समझता है और अपना जीवन दूसरों के कल्याण के लिए लगाता है। वही वास्तव में मनुष्य है। वह स्वयं को हर प्रकार की संकीर्णता और अलगाव से मुक्त रखते हुए सबको अपना मानता है। सच्चा मनुष्य वही कहलाता है जो मानवता के लिए जीता मरता है। सिद्धार्थ रंतिदेव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। अर्थात कवि ने महान लोगों का उल्लेख करते हुए मनुष्य शब्द का वास्तविक अर्थ समझाया है और शरीर को नश्वर बताया है। कवि के अनुसार सच्चा मनुष्य वह है जो संपूर्ण मनुष्य जाति के कल्याण के लिए मरता है और जीता है। वह आवश्यकता पड़ने पर दूसरों के लिए अपना शरीर भी बलिदान कर देता है। जैसे राजा रंतिदेव ने भूख से व्याकुल होते हुए भी अपने भोजन का थाल घर पर आए भिक्षु को दे दिया था। दधीची ऋषि ने देवताओं की रक्षा के लिए हड्डियों को दान कर दिया था। श्री नर क्षितिश ने समास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात
गांधार नरेश शिवी ने कबूतर की प्राण रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस दे दिया था। वीर कर्ण ने मांगने पर अपने कवच और कुंडल भी दे दिए थे। इस नश्वर शरीर के लिए अमर जीव क्यों डरता है, अर्थात आत्मा अमर है, तो फिर इस नश्वर शरीर के नष्ट होने से क्या भय। सच्चा मनुष्य वही होता है जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए जीता और मरता है। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है, बनी हुई स्वयं मही। अर्थात कवि ने सहानुभूति को मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी इसलिए कहा है क्योंकि यही गुण मनुष्य को महान, उदार और सर्वप्रिय बनाता है। इसी के कारण सारी दुनिया मनुष्य के वश में हो जाती है। दूसरों के साथ दया, करुणा, सहानुभूति का व्यवहार करके धरती को वश में किया जा सकता है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात वही महान विभूति होते हैं जो दूसरों को सहानुभूति देते हैं। बुद्ध ने करुणावश उस समय की पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया था। विरोधी लोगों को भी उनकी बातों को मानना पड़ा। जो दूसरों का उपकार करता है वही सच्चा उदार मनुष्य है। सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरों के लिए जीता मरता है। आशा करता हूँ कि आज के पद्यों का सार आपके लिए समझ में आ गया होगा। इसके आगे के पद्यों का सार हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।